कांके विधानसभा के आजसू प्रत्याशी रामजीत गंजू सैकड़ों समर्थकों के साथ ठाकुरगांव में पदयात्रा के माध्यम से घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि 30 साल से कांके विधानसभा बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन ठाकुरगांव भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। वहीं रामजीत गंजू ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो जो ठाकुरगांव का समस्या भाजपा के विधायक 30 साल में पूरा नहीं कर पाए उसका हम समाधान करेंगे। बहने, मैं और अपनी पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार नमस्कार प्रणाम करता हूं। जिस स्थिति पर आज से 2019 के चुनाव के विधानसभा के दौर पर आज जो जन समूहों का जन सैलाबों के ठाकुरगांव में स्नेह और प्यार मिला है, मैं तमामों से अपील और निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप इस ठाकुरगांव के धरती से भूले कांके विधानसभा क्षेत्र के अगर यदि सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं तमाम नौजवान साथी माता बहनों से अपील के साथ नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, जो भी आज के डेट में आने वाले समय में जो भी इसने पीछे के कई दशकों से सांसद और विधायक रहे जिन्होंने इस काम को नहीं कर पाया, उस काम को मैं जैसे विधानसभा कर सीट पर बैठूंगा, जैसे विधानसभा का दरवाजा घुसूंगा, जो भी मूलभूत समस्या होगा, जो भी यहाँ का विकास के कार्य होगा, मैं कुछ ही क्षणों में इन सभी कामों को करने का प्रयास करूंगा। मैं तमाम से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, किस बार अगर आदरणीय सुरेश कुमार महतो ने नारा दिया है किस बार गांव की सरकार, जो विकास दिल्ली से चलता था वो विकास गांव में होगा, जब दिल्ली से चलता था तो रांची आता था, रांची आने के बाद सतगुरु प्रखंड आता था, तब ये ठाकुरगांव आता था, तो जब ठाकुरगांव पहुंचता था सिर्फ कागज का टुकड़ा पहुंचता था, इसलिए आदरणीय सुरेश कुमार महतो ने कहा है इस बार गांव की सरकार जो भी विकास होगी गांव में होगी और गांव के लोग इसी तरह से हम लोग तमाम लोग एक साथ बैठेंगे, पंचायती करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्व समिति से निर्णय लेंगे कि हमें इस गांव में कहां पे पानी की टंकी लगाना है, हम इसे ठाकुरगांव में कहां पीसीसी बनाना है, हम इस ठाकुरगांव में किसानों के लिए कहां पानी व्यवस्था करना होगा, इस तरह से हम लोग सर्व समिति से निर्णय लेंगे और गांव की विकास करेंगे। इसलिए तमामों से अपील होगा, तमामों से निवेदन होगा, जो कुछ भी मैं व्यक्तिगत रामजीत गंजू और पार्टी के द्वारा आज से जो कुछ भी भूल चूक हुई होगी, गलती हुई होगी, मैं आप तमामों से क्षमा चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ और इस पर आदरणीय सुरेश कुमार महतो को मत हाथों को